हो। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों आज मैं इस अपने अमरूद के बाग पर खड़ा हूं और मैं इसमें वैसनी कंपोजर का छिड़काव करा रहा था, तो आज एक मित्र आए हैं मेरे जो वैसे तो उनकी बैकग्राउंड कम्युनिकेशन है, पर एक दूसरे मित्र हैं उनसे परिचय कराऊंगा। वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, वो दिल्ली से आए हैं। अब मैं उनसे मिलाता हूं आपको, वो अपना परिचय देंगे और करीब इनको 2 घंटे हो गए मेरे फार्म पर, मेरे से बात की, इन्होंने मेरी सब जगह पर घूमे देखा और ये अब अपनी फीडबैक देंगे कि इनको यहाँ आकर क्या प्राप्त हुआ, क्या इंस्पायरेशन मिली, क्या जो मैं कहता हूँ वो सही है या नहीं है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कौशिक है और पिछले 2 घंटों से मैं डॉक्टर साहब के साथ घूम रहा हूँ उनके ऑर्चर्ड में और ये मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो कर रहा था। जो भी ऑर्गेनिक कृषि का जो भी ज्ञान था और जो भी ये मशवरा देते थे उनको मैं जज करता रहा। आज उसको प्रैक्टिकली देखने का और ऑब्जर्व करने का मौका मिला, तो इतने घंटों की जो हमारी बातचीत रही और जो चीजें हम लोगों ने देखा उसका सार इन्होंने बस 3 अल्फाजों में दे दिया। एक्सपेरिमेंट, दूर मत जाओ, आवाज एक्सपेरिमेंट, चैलेंजेस और मिटिगेशन, इन तीनों की तैयारी कर लें, इन तीनों पर अपना होमवर्क कर लें और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सफल आपकी हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ है कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को जो है मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के चक्कर में बहुत सारा नुकसान अब तक होता रहा है, उससे बचने का एक प्रभावशाली तरीका है, ये सबसे बेहतरीन मिटिगेशन है। इनके फार्म में भी अगर देखें तो इन्होंने वैसे ही प्रबंध कर रखे हुए हैं, यहाँ अमरूद है, इसके पीछे मेज़ मक्का और इवन जो दवाइयाँ होती हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, इन सब का भी प्रबंध इन्होंने ऑर्गेनिकली कर रखा है। मसलन नीम, धतूरा, मदार, इन सारी पौधों को अब ये सारे जो है आसानी से आपके आसपास जो हैं ये पौधे उगते रहते हैं, ज़्यादातर बीज के तौर पे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन सारी पौधों का भी इन्होंने बाकायदा अपने यहाँ प्रबंधन कर रखा है और उन्हीं से जो है बायो मैन्योर और बायो फर्टिलाइज़र और बायो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है ये तैयार कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा, हम भी प्रेरणा लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम परस्पर संपर्क में रहें और ज़्यादा ज्ञान अर्जन हम डॉक्टर साहब से करें। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम प्रशांत बिस्ता है और मैं और मिस्टर राकेश कौशिक जी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, उसको नया शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने मिस्टर त्यागी जी से मिले हैं, जिसमें हमने देखा कि ये कैसे मतलब पेस्टिसाइड की जगह पर जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर ये ऑर्गेनिक चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो उसी को लेकर हम लोग इनसे मिले हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे हम वेडिसाइड और पेस्टिसाइड और यूरिया इन सब चीज़ों की जगह पर कैसे हम ऑर्गेनिक चीज़ें वर्मीसाइड इसको यूज करते हैं और कैसे हम बेस्ट डिकम्पोजर और पीछे इन्होंने लगाया हुआ है काफ़ी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, इन सबको देख कर हम अब सीख रहे हैं, देखते हैं करना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्हीं से जो भी सलाह लेंगे इन्हीं से लेंगे, ठीक है। बाकी और जो कहना था राकेश कौशिक जी काफ़ी हद तक कह चुके हैं, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं लगती। किसान भाइयों मैं इस विजिट में एक बात कहना चाहूँगा, मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं और लोग लिखते हैं, कहते हैं मेरे अमरूद 5 साल के हो गए, उन पर फल नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ।
किसान भाइयों, आप इससे एक संदेश लीजिए राकेश जी से जो किया है, आपको कहीं ना कहीं विजिट जरूर करना, आप जाइए अपनी समस्या देखिए। अब आप बताइए 5 साल का पेड़ को मैं क्या बताऊं क्यों फल नहीं आ रहा है, वो पेड़ कैसा है, कितना है, क्या आपने इंटरक्रॉप की हुई है, किस डिस्टेंस पे लगा, मैं कैसे बता दूं, मैंने फोटो तक नहीं देखा। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मेरे पास कम से कम 30 से 40 फोन रोज आ, अगर मैं एक आदमी को 10 मिनट भी देने लगा तो आप देखिए 400 मिनट यानी 7 घंटे मेरे उसी काम में चले। तो किसान भाइयों कितना मतलब मुश्किल है ये चीज, तो अपनी बात को संक्षिप्त रखें। और मैं कोशिश करता हूं कि जिसने भी मेरे से संपर्क किया मैं उसको थोड़ा सेटिस्फाई, तो हर चीज मैं भी नहीं कर सकता लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो आप जब भी कोई चीज लिखें पूरी बात लिखें, ये बताएं, और पेड़ का फोटो भी डालें, थोड़ी वीडियो भी डालें, तब तो मैं कुछ बता सकता हूं। अगर मुझे नहीं पता तो जो हमारा ग्रुप है उससे मैं बात करता हूं, वे बताते हैं। एक चीज और बहुत रिक्वेस्ट अभी भी आती है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए। किसान भाइयों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बंद हो चुका है क्योंकि उसमें लिमिट आ गई थी, 256 से ज्यादा किसानों को हम नहीं जोड़ सकते थे। ये ग्रुप अब टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर कैसे जुड़ेंगे, हमने अपनी वेबसाइट अभी 10 दिन हो चुके लॉन्च कर चुके हैं जिसका नाम है www.amazingkisan.com। उस पर जाइए आप, उसमें एक सो पीपल्स ऑप्शन है, उसके अंदर सोशल ग्रुप है, वहां पर टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे ये पूरा बताया गया है, ये करिए। और एक डायरेक्टरी है वहां पर, उस डायरेक्टरी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य लिखें, अपना नाम, गांव का नाम, जिले का नाम, कौन सी ग्रुप उगाते ये सब लिखें। इससे मैं जल्दी ही एक हफ्ते बाद एक आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपने जिले में ये देखना चाहते हैं कौन से किसान आपके आसपास हैं और वो क्या उगा रहे हैं, ये पता चलेगा, फिर आप उनसे बात कर सकते। तो किसान भाइयों हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं, ये आप ही लोगों के लिए है, उसमें बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी, बहुत सारी किताबों के पेपर मिलेंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारी किताबें मिलेंगी, जो मेरी 2 किताबें हैं लिखी हैं, छोटी पुस्तिकाएं हैं वो भी मिलेंगी, उन्हें भी मंगा सकते हैं। और एक जगह बैठकर मत देखिए, थोड़ा परिश्रम ये करिए, अपने आसपास के किसी खेत में जाइए जिसने काम किया हुआ हो, किसी से बात कर देखिए। कौशिक जी 1 सप्ताह से मेरे से बात कर रहे हैं और इन्होंने कह दिया कि सर मैं 11 बजे आपके पास पहुंचूंगा, और ये ठीक 11 बजे मेरे फार्म पर थे, मैं भी इनकी मतलब वेट कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। ये एक काम करने का तरीका, इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।